गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्डेट्स की उत्पत्ति के बारे में। ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, कॉर्डेट इवॉल्व फ्रॉम सम टाइम, कॉर्डेट का ऐसा माना जाता है कि 500 मिलियन ईयर्स एगो यानी कैम्ब्रियन युग के अंदर, जब कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन एक्सप्लोजन हो रहा था उनके बीच में, तब इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम व्हेन द इनवर्टिब्रेट वर बिगिनिंग टू इवॉल्व, जब इनवर्टिब्रेट भी जब प्रारंभ हो रहा था, उनका इवोल्यूशन प्रारंभ हो रहा था, उसी टाइम पे कॉर्डेट की उत्पत्ति हुई। दे मे हैव इवॉल्व फ्रॉम फ्रेश वाटर फॉर्म्स एज चैम्बरलेन। चैम्बरलेन ये बताया सन 1900 में, ये बताया कि सभी जो मॉडर्न कॉर्डेट हैं जिनके अंदर ग्लोमेरुलस किडनी पाई जाती है जो एक्सेस वाटर को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, वह है उन सभी प्राणियों के अंदर पाई जाती है। इवॉल्व फ्रॉम द सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स, वो इसी प्रकार के फ्रेश वाटर फॉर्म से उनकी कॉर्डेट की उत्पत्ति हुई है। हाउएवर अर्ली फॉसिल्स ऑफ कॉर्डेट हैव ऑल बीन रिकवर्ड फ्रॉम द मराइन सेडिमेंट एंड इवन मॉडर्न प्रोटोकॉर्डेट्स वर ऑल आर मराइन। हालांकि जो मॉडर्न प्रोटोकॉर्डेट हैं, जिनसे ये माना जाता है कि कॉर्डेट की उत्पत्ति मॉडर्न प्रोटोकॉर्डेट से हुई है, वो सभी मराइन हैं और उनको वो सभी उनकी जो अवशेष हैं वो मराइन सेडिमेंट से प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार की कल्पना की जाती है कि इनकी उत्पत्ति नॉन कॉर्डेटा से हुई है। ऑल्सो ग्लोमेरुलर किडनी आर ऑल्सो फाउंड इन द सम मराइन फॉर्म्स सच एज मिक्सिनॉइड एंड शार्क। कुछ शार्क और मिक्सिन यानी हैगफिश के अंदर भी ये ग्लोमेरुलर किडनी पाई जाती है। दैट मेक्स द मराइन ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट मोर प्लॉसिबल। जो कॉर्डेटा की मराइन उत्पत्ति जीवों से हुई है, इस उत्पत्ति को, इस तथ्य को और ज्यादा साबित करते हैं। इस चित्र के अंदर देखें, ए फाइलोजेनेटिक ट्री शोइंग द कॉर्डेट ओरिजिन, जिसमें कॉर्डेट ओरिजिन इसमें बताया गया कि एक हाइपोथेटिकल कॉर्डेट एंसेस्टर है, जिससे कि ये हेमिकॉर्डेटा की एक ब्रांच निकली और वो हेमिकॉर्डेट बन गए, दूसरी ब्रांच निकली वो यूरोकॉर्डेट बन गए, तीसरी सेफेलोकॉर्डेट बन गए, ऑस्ट्रेकोडर्मी, फिर साइक्लोस्टोमेटा, फिर एग्नेथा, और इस प्रकार से एक एक पायनियर, एक एंसेस्टर बना। इस एंसेस्टर से एक साइड में प्लेकोडर्मी बन गए, दूसरी साइड में कार्टिलेजिनस फिश से कॉन्ट्रेक्टिस बन गई, फिर प्रीमेटिव बोनीफिसिस बनी, बोनीफिसिस से फिर ऑस्टिकथीस की एक एक्विटिक ऑक्टिस की एक ब्रांच निकल गई, उसके बाद कुछ मॉडर्न एम्फीबियन बन गए, फिर एक एंसेस्टर बना इनका जिससे रेप्टाइल्स बने, प्रिमिटिव रेप्टाइल्स बने, प्रिमिटिव रेप्टाइल्स से फिर एक ब्रांच बन गई जिसमें जिससे स्नेक और अदर रेप्टाइल्स बने, एक ब्रांच से फिर वर्ड्स मैमल्स बने और एक से बर्ड्स बने। इसको समझाने के लिए निम्नलिखित पांच सिद्धांत वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए, गाइंडरम सिद्धांत, हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट एंड सेफेलोकॉर्डेट और वेरिंगटन का सिद्धांत। सबसे पहले लेते हैं इकाइनोडर्म ओरिजिन। द थ्योरी वाज, ये जैसा कि इसमें बताया कि इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा की उत्पत्ति हुई है, इसमें ये बताया गया है। ये थ्योरी जे मुलर के द्वारा सन 1860 में दी गई और ये है उन दोनों इकाइनोडर्मेटा के बाइबिनेरियल लार्वा और हेमिकॉर्डेटा के टॉर्नेरियल लार्वा के बीच में कंपैरिजन, जो रिजेम्बलेंस है उसके उसके आधार पर आधारित है। ये सभी इनके दोनों लार्वाओं के अंदर, टॉर्नेरिया ऑफ हेमिकॉर्डेटा एंड बाइपिनेरिया ऑरिकुलेरिया डिप्लूरुला एंड डोल्यूलेरिया ऑल आर ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इन दोनों में रिजेम्बलेंस क्या है कि इनके ऊपर सीलियरी बैंड ऑफ एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया पाया जाता है। मुलर, गारस्ट्रांग और डिवियर, इन तीन वैज्ञानिकों ने ये प्रपोज किया, ये माना कि इकाइनोडर्म लार्वी गिव राइज टू द कॉर्डेट बाय पीडोजेनेसिस। इकाइनोडर्म लार्वी ने पीडोजेनेसिस के द्वारा, पीडक जनन के द्वारा कॉर्डेट की उत्पत्ति की है। लाइक ड्यूटोरिस्टम इकाइनोडर्म पजेस मेसोडर्मल स्केलेटन, क्योंकि इनके अंदर मेसोडर्मल स्केलेटन पाया जाता है, जैसे उसमें कंटिकाएं पाई जाती हैं तारा मछली में, वो सभी मेसोडर्मल ओरिजिन की होती हैं, इसलिए इससे ये साबित हुआ। द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल इकाइनोडर्म, कैल्सिकॉर्डेटा की एक फॉसिल पाया गया जो लगभग 450 मिलियन ईयर्स एगो का है, वह ये कंफर्म करता है कि इकाइनोडर्म एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेट, कि कॉर्डेटा की जो एंसेस्ट्री है वो इकाइनोडर्म से हुई है, ओरिजिन इकाइनोडर्म से हुई है। कैल्सिकॉर्डेट वर एसिमेट्रिकल, ये जो प्राणी है, ये जो फॉसिल है, ये एसिमेट्रिकल एनिमल है जो इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा की एफिनिटीज को शो करता है, एफिनिटीज बोथ इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। They had large pharynx with a series of gill slits, each covered with a flap of filter feeding. और ये दोनों में
फ्लैप फिल्टर फीडिंग की फ्लैप के द्वारा ये शो होता है. एस्मल सेगमेंटेड बॉडी एंड ए पोस्टिनल टेल पाई जाती है इसमें. ए परफोरेटेड फेरिंग्स फॉर फिल्टर फीडिंग अपीयर्स टू हैव इवॉल्व्ड इन द डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन पीरियड व्हेन प्लैंकटन वर अबंडेंट इन वाटर, जब प्लैंकटन की पर्याप्त मात्रा हुआ करती थी. इसकी एक कमी ये है कि इनमें स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स का जो एंडोस्केलेटन वो हाइड्रेटेड कैल्शियम और फॉस्फेट का होता है. सेकेंड थ्योरी है हेमिगोडेट थ्योरी. रोमर ने बताया कि एंसेस्ट्रल ड्यूटरोस्टोम्स जो है वो वर सेडेंटरी टेंटेकल फीडर्स, म्यूकस लेडन सिलेटेड टेंटेकल सर्व टू ट्रैप प्लैंकटन एज दे वर वेव्ड इन वाटर एज डू द मॉडर्न लोफोफोरेट एंड प्टेरोब्रैंक हेमिगोडेट शोस. द सेफलोडिस्कस और एब्डोप्लूरा में जिस प्रकार से ये प्लैंकटन को पकड़ने की विधि पाई जाती है, उसी प्रकार से इनमें ड्यूटरोस्टोम्स जो है ना ओरिजिन हुई होगी, इनसे हेमिकोडेटा से कोडेटा की उत्पत्ति हुई होगी. बाय सम म्यूटेशन फेरिंजियल गिल स्लिट्स इवॉल्व इन दीज एंसेस्टर्स व्हिच मेड द फेरिंग्स सीप लाइक ट्रैप प्लैंकटन एज द वाटर करंट पास थ्रू इट्स, जैसे वाटर करंट इससे गुजरता होगा वैसे ही प्लैंकटन को ये पकड़ लेते होंगे. प्रेजेंट टीरोब्रैन के पजेस द बोथ सीलेटेड आर्म्स एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स. टॉर्नेरिया लार्वा ऑफ हेमिकोडेटा शो द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप विद कोडेट, टॉर्नेरिया लार्वा से ये शो होता है. तीसरी है यूरोकोडेट ओरिजिन. गारिस्ट्रॉन्ग एंजेवेरिल ने ये एसिडियन टेडपोल की इंपॉर्टेंस बताई कि एसिडियन टेडपोल से ही कोडेटा की उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि नोटोकॉर्ड उसकी टेल में पाई जाती है, मायोटोम्स पाए जाते हैं, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है, सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, ये सारी चीजें पाई जाती हैं जो कोडेटा के कैरेक्टरिस्टिक हैं. तो गारिस्ट्रॉन्ग ने यह सजेस्ट किया कि कोडेट इवॉल्व फ्रॉम सम सेसाइल फिल्टर फीडिंग यूरोकोडेट बाय द लार्वल स्टेज इवॉल्विंग इन टू द एडल्ट by mutiny or losing the sedentary adult stages. Fourth theory is cephalocordate origin. कि कोडेटा की उत्पत्ति सेफेलोकोडेटा से हुई है. ये चैम्बरलेन ने सन 1900 में ये अध्ययन करके बताया कि प्रिमिटिव एंड एडवांस कैरेक्टर ऑफ सेफेलोकोडेट प्रपोज दैट द व्हाइल द प्रेजेंट सेफेलोकोडेट पजेस ऑल कोडेट कैरेक्टर्स एज दे शो द प्रिमिटिव फीचर्स ऑफ नॉन कोडेटा सच एज द एब्सेंस ऑफ हार्ट, जिसमें हार्ट नहीं पाया जाता, हेड नहीं पाया जाता, सेंस ऑर्गन रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाए जाते, और उनकी फिल्टर फीडिंग मोड ऑफ लाइफ होती है और एक्सक्रीशन सोलेनोसाइट के द्वारा होती है. तो ये सारी चीजें ये शो करती हैं कि कोडेट की उत्पत्ति सेफेलोकोडेटा से हुई है. और 60 स्पेसिमेन लगभग ऐसे पाए गए मिडगैम्ब्रियन यू के, जो ये जैसे कि पाइकिया ग्रेसिलेंस है, इससे ये साबित होता है कि ये सभी जो कोडेट हैं वो सेफेलोकोडेट से हुए हैं. एक है कंबाइंड थ्योरी. ई जे डब्ल्यू वेरिंगटन ने ये बताया 1965 में, ये बताया कि ये सभी थ्योरी जो हैं वो सारी सही हैं और प्रपोज दैट द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एकाइनोडर्मेट कोडेट वर्सेस सेसाइल, एकाइनोडर्मेटा और कोडेटा के जो कॉमन एंसेस्टर हैं वो सेसाइल सीलरी फीडर होते होंगे और लिव्ड इन द प्लैंकटन रिच इन्वायरमेंट ऑफ द कैम्ब्रियन यू. कैम्ब्रियन यू के अंदर जो प्लैंकटन खूब सारी मात्रा में थे पानी में, तो उस समय ये होते होंगे. एंड मॉडर्न क्रिनोइड्स यानी क्रिनोइडिया यानी जिसमें एंटीडॉन आता है एकोनोडर्मेटा के सदस्य है, पोगोनोफोर्स एंड द टीरोब्रैंक हेमिगोडेट इवॉल्व फ्रॉम ए सिमिलर एंसेस्टर बाय रिटेनिंग द ओरिजिनल मोड ऑफ फीडिंग, और ओरिजिनल मोड ऑफ फीडिंग को रिटेन करके ये हुआ होगा. हाउएवर फेरिंगोट्रेमी यानी फेरिंग्स का छिद्र युक्त होना, गिल छिद्रों का पाया जाना, ये लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स एट दैट टाइम विच मस्ट हैव बीन मच मोर सुपीरियर मेथड ऑफ फूड गैदरिंग बाय फिल्टरिंग वाटर थ्रू द फेरिंग्स एज कम्पेयर टू द सिलियर फीडिंग. तो इससे ये ज्यादा प्रभावशाली है बजाय फिल्टर फीडिंग के, इस प्रकार इसमें हुआ होगा. तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ वर्टिब्रेट ओरिजिन में हम ये देखते हैं कि इसमें भिन्न भिन्न एराओं में भिन्न भिन्न जो ग्रुप हैं वो हुए, उत्पन्न हुए, जैसे कि जॉलेस वर्टिब्रेट हैं वो सिल्यूरियन युग में हुए और डेवोनियन में खूब इनका फ्लोरिश हुआ और कार्बोनिफेरस में आते आते ये विलुप्त हो गए. फिर उसके बाद में डेवोनियन पीरियड में ये वर्टिब्रेट प्लैकोडर्म्स हुए, प्लैकोडर्म्स ट्रायसिक युग में खत्म हो गए. इस प्रकार से इनमें भिन्न भिन्न ग्रुपों की ये फाइलोजेनेटिक ट्री है कोडेट का. ये इसमें अलग अलग लक्षणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप की उत्पत्ति हुई है ये बताया गया है. इसके बाद में लास्ट में हेंस द सेडेंटरी प्रोटो एसिडियन ऑफ दैट टाइम लॉस्ट सिलिटेड आर्म फीडिंग एंड अडोप्टेड फेरिंजियल फिल्टर फीडिंग एज द ओनली मेथड ऑफ फूड गैदरिंग, जो एक फूड गैदरिंग का मेथड था वो इसमें पाया जाता है. समटाइम्स लेटर when the plankton population in the water declined, free swimming tail larva of these eurocodate did not metamorphose and become neotenic adult, since free swimming mode of was the superior in the food, and this is all about the
origin of chordates. Thank you.